नमस्कार दोस्तों, एक कविता और नदी पर, बनास इसका शीर्षक है और बनास राजस्थान में बहने वाली एक नदी का नाम है। मैंने इस नदी पे कविता क्यों लिखी, हो सकता है कि आप पूछें। वैसे मैं तो भारतीय हूँ, तो कहीं पे भी, किसी दुनिया भर की किसी नदी पे, लिम्पोपो पे भी लिख सकती हूँ, जाम्बेजी पे भी लिख सकती हूँ। हार्ट ऑफ डार्कनेस इतनी प्रसिद्ध, और वो जो वो हक फिल्म की का पूरा उपन्यास, नदियों के गिर्द बहुत कुछ लिखा गया है, कविताएं बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन आप पूछेंगे कि क्यों बनास, है ना, गंडक क्यों नहीं, तो लिखूंगी, बिल्कुल। गंडक किनारे मैं रहती हूँ, बूढ़ी गंडक किनारे, गंडक गंडक पास है, गंगा पास है, तो गंगा से पहले क्यों बनास, है ना। तो बनास इसलिए कि राजस्थानी कुछ दोस्तों से ऐसा तारुफ हुआ विदेश में कि राजस्थान ज़्यादा करीब आया, और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब मैं अमेरिका में रहती थी और मेरा स्टेटस के गायब हो जाने से पहले कैंपस पुलिस की जिस ऑफिसर के पास मुझे भेजा गया था, और जिन्होंने मुझसे कहा था कि तुम उस जर्मन प्रोफेसर के ख़िलाफ़ हरासमेंट दायर करो जिसने तुम पे किया है, तो मैंने कहा कि भाई मैं लड़ना नहीं चाहती। मैं तो मतलब मेरी उम्र उस समय 31 थी और मैं ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हूँ, अभी मुझे PhD में दाखिला लेना है, शोध करना है, मैं क्यों एक प्रोफेसर से लड़ूँ, मैं नहीं करूँगी। और अब इस बात को कहने के बहुत से अंदाज़ हो सकते हैं, इतना विस्तार से मैंने तब नहीं कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा स्टेटस ही चोरी हो जाएगा, गायब हो जाएगा कपूर की गंध की तरह। तो उस ऑफिसर का नाम था, उस लेडी ऑफिसर का नाम था ऑफिसर टेरेसा बैनर्स, BANAAS। तो अगर हम उसको हिंदी में बिना एक्सेंट के फनेटिकली पढ़ दें तो वो बनास भी हो जाता है। तो उससे मुझे ये एक अजब इत्तफाक है, वो है ना कि हम कपूर की डिबिया में तमाम दुनिया खोजते हैं, वो बात है। और बनास जन तो मतलब एक बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है, इससे मैं अवगत हूँ, परिचित हूँ, पल्लव उसके संपादक हैं और मेरे उनसे दो एक बार भेंट भी है। तो बनास पे लेकिन कविता लिखने से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बनास, संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत हिंदी लोक भाषा में बनास केवल वन की आशा है। दिक्कत की अब वन ही बहुत कम बचा है, काटे गए एक एक करके पेड़, और इस पर भी फसाद हुआ कि जंगल किसने काटा। वन पदाधिकारी ने कहा, जंगल अधिकारी ने कहा, बड़े बड़े शहर वालों ने कहा, घर वालों ने कहा, जंगल वालों ने काटा जंगल। आदिवासियों ने, गरीबों ने काटे जंगल, जबकि जंगल काटने के ठेके दिए गए गैर कानूनी, पूरी तरह गैर कानूनी ठेके, जंगल काटकर जमीन जोती गई, घर पोते गए, जब जंगल ही नहीं बचा फिर उसकी आशा वह नदी, जब जंगल ही नहीं बचा फिर उसकी आशा वह नदी। घास के सूखते मैदानों में जल कुंडों सी जो बह रही है, वह राजधानी के सेमिनारों में पानी के ग्लासों और बोतलों की मेहमान नवाजी से भर जाएगी क्या? वह राजधानी के सेमिनारों में पानी के ग्लासों और बोतलों की मेहमान नवाजी से भर जाएगी क्या? तो शुक्रिया दोस्तों, ये थी कविता मेरे इस संग्रह से बनास, शीर्षक, आशा है कि आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।